देखा नहीं मैंने तुमको? सीरियसली? ओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मेरे पीछे जो रेवोल्यूशन लिखा हुआ मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता था। कसम से मैं तुम्हें ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता। ओ माय गॉड, क्या लिखा है यहाँ पे? सर्टिफाइड क्रांतिकारी बाय ब्रोसेना। जे बॉय, क्योंकि ब्रोसेना कोई टीम नहीं है। ना, ये एक रेवोल्यूशन है, क्रांतिकारी हम लोग। जब मैं बोलता था तुम में से आधे से ज्यादा लोग ना मुझे मजाक में लेते थे, अब देखो। जे बॉय, बट नहीं, ये वीडियो मेरे ऊपर नहीं और ना ही ये साबित करने के लिए कि वी आर द Which is a fact, by the way. So just in case if you're not subscribed, लाल बटन देख रहे हो? Smash that subscribe button and join the revolution. तुम्हें पता है मेरे पास content की कमी है जब मैं ऐसी फालतू हरकतें करता हूँ। But खैर, इससे पहले मैं intro play करूँ, let me set the mood. क्या परेशान है? हाँ भाई हाँ। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियाँ लड़कों को competition नहीं देख सकती? हाँ भाई हाँ। अबे तो जाके उन लड़कियों को देख जिनकी मूछें आती हैं, खुद से शर्मा जाओगे। क्या आप भी अपनी फोटो देख के ये सोचते हैं अरेंज मैरिज भी हो पाएगी क्या? तो फिक्र मत करिए क्योंकि आज इस चैनल पे क्या नहीं बताएगा तुम्हें टाइप ऑफ गाइस गर्ल लाइक। बट ब्रो तू तो सिंगल है ना? आई एम सिंगल बाय चॉइस नॉट बाय लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऐसा मैं सबको कहता हूँ। बट तुमने वो गाना सुना है ना? इसका एहसास मुझे हो चुका है तो मैं सिंगल। बट स्टिल आई नो तुम ये देखोगे तो चलो ना शुरू करते ब्रो। और मैं हूँ आपकी फेवरेट होस्ट। Somebody please date me ताकि मैं इस चैनल पे भी ग्लैमर लेके आ सकूं। कोई तो डेट कर ला प्लीज। या दैट्स माय फुल नेम आज के लिए। आज मैं तुमको बताऊंगा एक लड़की को लड़कों में क्या पसंद आता है ताकि तुम भी सिंगल न रहो। और इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम सबसे बेसिक रूल के साथ कि लड़कियां भी ना इंसान होती हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हर बंदी ना अलग होती है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। तो अगर इन बातों से तुम्हारी बंदी ना पटे ना तो समझ लेना तुम्हारी वाली अलग है। नहीं शरीफ नहीं है, वो अलग तरीके से चूचा काटती है। लुक Does matter. I know, I bet तुमने बहुत बार सुना होगा that हम लोग साथ नहीं रह सकते मेरी शक्ल की वजह से। It's not about the look. Look doesn't matter. सबसे बड़ा झूठ है, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमको बताया था, सबसे बड़ा झूठ है और इसे गांठ बांध कर डाल लो। Look does matter. पर एक बात बताओ, तुम गोरे चिट्टे हो और तुम्हारी बंदी काली है, या तुम अगर लड़की हो तुम गोरी चिट्टे हो तुम्हारा बंदा काला है, जब तुम रोड पे साथ चलोगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे देखो दिन और रात साथ साथ। और लुक सिर्फ कलर से नहीं आता बॉडी का, ये तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल से आता है। जैसे कि मैं I'm the worst dresser. अभी हम लड़कों का क्या है ना, हमें बचपन से सिखाया है कपड़े पहनते हैं। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि हाँ लोगों को दिखाने के लिए भी पहनते हैं। मेरे शर्ट का साइज है एल पर जितनी भी टी शर्ट मेरे पास पड़ी हुई है सब है एक्सेल। बाय द वे जो संस्कारी वाली टी शर्ट देखी तुमने XXL, what's wrong with me? तो सिर्फ रंग ही नहीं तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल होता है, तुम्हारे मैनर्स होते हैं, तुम पब्लिक में कैसे उठते बैठते हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग मिस कर जाते हैं आज की डेट में। इट्स नॉट ओनली अबाउट कलर ब्रो, इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी दैट यू हैव। Don't worry about this. You're part of Brosena. You're awesome. You don't need to worry about this. ऐसे नहीं कह रहे कि सारी लड़कियां इस बात में बिलीव करती है, बट मेजॉरिटी लड़कियां इस बात में बिलीव करती है कि बंदे को गुड लुक्स होना जरूरी है और गुड लुक्स में थोड़ा कम भी हो बट मैनर्स द वे ही कैरी हिमसेल्फ should be great. तुम्हें क्या लगता है मैं फनी बनने की कोशिश क्यों करता हूँ? मतलब अपना हिसाब सिंपल है, इतना फनी बन जाओ कि बंदी को एहसास ही ना हो तुम अगली AF हो। एंड यू नो वेयर आई एम गोइंग फ्रॉम दिस सेंस ऑफ ह्यूमर। तुमने बहुत बार सुना होगा लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद है जो उनको हंसा सकता है, और पुरानी मूवी में तो कहावत भी होती थी भाई हंसी तो फंसी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां कॉमेडियन पे पागल है, बहुत सारे कॉमेडियन हमारी तरह फ्रस्ट्रेशन में बैठे हैं। तुम्हें क्या लगता है सिंगल लौंडे में पंचलाइन कहां से आती है? क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वहां पे। सो एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लड़कियों को टर्न ऑन करता है, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट सेंस ऑफ ह्यूमर, इट्स अबाउट द कन्वर्सेशन यू आर हैविंग विद दैट गर्ल। या ज्यादा इंग्लिश बोल दी मैंने। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ तुम बहुत बड़े कॉमेडियन और तुम लोग कर रहे हो हॉट चैट। या बेब व्हाट यू आर वेयरिंग, तुम्हारा जवाब पिकाचू कॉस्ट्यूम। मतलब बंदी वहाँ मूड में बैठी और तुम यहाँ पे जोक क्रैक कर रहे हो, नहीं बटेगी ना? दिने में तो तुमको खुद एहसास हो जाता है कि मैं अपने आप को डेट नहीं करूँ दूसरा क्या करेगा। इट्स अबाउट हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन जिसके साथ बैठ के तुम घंटों बात कर सकते, जिसके साथ बैठ के तुम्हें समय का पता ना चले, जिसके साथ जितनी बातें कर लो बट कम हो। ये वन ऑफ द बिग रीजन है मैं आज भी सिंगल हूँ, मैं ज्यादा बातें नहीं करती। इतना
तो बोलता है साले, यही निकलती है बस, सामने सामने नहीं निकलती। और ऐसा भी नहीं कि तुम बातूनी हो तो भी पट जाएगी, नहीं 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 नहीं, बातूनी मतलब तुम बोलते रहोगे वो सुनती रहेगी, और ऐसा नहीं होता, ये टू वे कन्वर्सेशन होती है, ये टू वे रोड है, मतलब बातें ऐसी करो कि बंदी बोर ना हो। ये मैं आज भी ट्राई कर रहा हूँ इसे अनलॉक करने के लिए कि ऐसी कौन सी बातें होती है जिसे सुन के बंदा बोर नहीं होता। मैं तो इस वीडियो को अब तक देख के बोर हो चुका हूँ। Don't be rude, be a dude. I know. आजकल का जमाना ऐसा है ना जहाँ पे फेमिनिज्म इतना ज्यादा पीक पे है कि अभी हम लोग सारे इक्वालिटी पे कूदे पड़े हैं कि बिल आधा बांटो, रिक्शे का किराया आधा बांटो, गेट खोलने की जरूरत क्या, वो खोलने की गेट, घर छोड़ने की जरूरत क्या, चली जाएगी अपने आप। इंटरेस्ट में मुझे किसी ने नहीं बताया था ऐसा करना होता है। मतलब मैं पहली बार रिलेशनशिप में था और बंदी ने कहा चलो मुझे बाहर तक छोड़ दो, मैं लिटरली ऑफिस के गेट तक पहुंचा और मैं कहा ठीक है चल बाय, बस्ट एंड फक दैट। वो तो बंदी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग निकली, उसने बैठ के अगले दिन समझाया नहीं नहीं ऐसा नहीं करना होता, अगर बंदी जा रही है छोड़ के आओ, अगर बंदी चेयर पे बैठ के थोड़ा सा चेयर पुल करो, अगर बंदी जा रही है तो पहले गेट खोल के खड़े रहो चौकीदार की तरह। और ऐसा नहीं है फेमिनिज्म को इफेक्ट करता है इक्वालिटी की बात है इसमें, नहीं नहीं, इट्स अबाउट केयरिंग कि तुम एक बंदे को कितना केयर करते हो, कितना ख्याल रखते हो। और ये बात तो तुम चाहे लड़का हो या लड़की हो तुम भी मानोगे कि अगर कोई तुम्हारी केयर करता है ना, जो तुम्हें स्पेशल फील कराता है ना, वो बंदा तुम्हारे लिए भी स्पेशल होता है। फेमिनिज्म और इक्वालिटी ना अलग जगह रखना, बट इट्स ऑल अबाउट बीइंग जेंटलमैन ब्रो, जस्ट लाइक कैन मी। इतनी बंदियों को डेट कराए ये भी ना सीखूं तो झंडे मेरी जिंदगी। Come on, girls, जो तुम यहाँ देखते हो मैं वैसा नहीं, अब जेंटलमैन, जेंटलमैन नहीं कह सकता बट जेंटल चाइल्ड। क्यों तुझे मर्दानगी पे शक है अपनी? मर्दानगी पे शक नहीं क्योंकि मेरी हरकतें बच्चों वाली है, मैं जितना बड़ा हो जाऊँ मेरे अंदर का बच्चा ना खत्म नहीं होने वाला, और होने वाला भी होगा ना, मैं होने नहीं दूंगा। Keep that kid alive in you, man. ये इंटरेस्टिंग बनाता लाइफ को, जितनी बड़ी प्रॉब्लम छोड़ना देखी जाएगी, सेम एटीट्यूड रखो, बट कभी कभार तुम्हें सीरियस होना पड़ता जहाँ पे मैं नहीं हो पाता, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। बट थर्ड पॉइंट इज बी अ जेंटलमैन लाइक ज्ञानी, थोड़ा केयर करो, थोड़ा प्रोटेक्टिव रहो, थोड़ी फ्रीडम दो। और जब मैं प्रोटेक्टिव बोल रहा हूँ ये नहीं कि तुम हर चीज का पूछो नहीं 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 कैसे उसका बॉडीगार्ड बन जाओ, नहीं नहीं स्पेस दो बट केयर भी करो। प्रभु आके सर बंदी पटवा दो, मैं जेंटलमैन। स्मार्ट गाइस, I know, smart guy is a myth. But bros, मेरी बात समझो, हम सब में वो स्मार्ट गाय होता है, इट जस्ट हम कितनी सीरियसली लेते हैं बातों को। फॉर एग्जाम्पल जब तुम्हारे मॉम डैड कहते जाके मार्केट से दूर जा, मैं नहीं ला रहा, हर काम मैं ही करूँ, सफाई भी शॉपिंग भी, 1 किलो शुद्ध नमक देना, तो बेसिकली तुम कर डालनी चाहती, बट ऐसा नहीं तुम्हें नहीं पता दूध कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, तुम बार्गेनिंग कर सकते हो। ये चीज मानो या ना मानो लड़कियों को पसंद आती है, जब तुम शॉपिंग करने जाओ उनके साथ दुकान वाला बोले बहन जी 500 रुपए, अरे 100 रुपए, अरे सर 100 का तो हमको भी नहीं पड़ा, अबे कल लेके गया मैं। ये जो बार्गेनिंग स्पिरिट है ना, जो स्मार्ट वाली चीजें, लड़कियां बहुत इंप्रेस होती है कसम से। हमारी बंदी बाहर जाती है वो रास्ता भूल जाती है, बट लड़का होने के नाते हमें पूरे शहर की गली कूचे सब पता है, क्यों आवारा कर दिया हमने, यही तो करी है। अभी ऐसे सिचुएशन में वो तुम्हें कॉल करे और तुम उसे डायरेक्शन बताओ, खुश होगी कि नहीं होगी? दिल पे हाथ रख के बताओ, खुश होगी कि नहीं होगी? बट वहीं पर तुम बोल दो अरे मैं क्या ठेका ले रखा, गूगल मैप समझा क्या मेरे को, तू लगता है ऐसे एटीट्यूड के साथ बंदी पड़ सकती है। और ऐसा नहीं मैं तुमको कुछ नया बता रहा, ये सारी बातें तुमको पता है, अपनी हरकतों पे काम करो, बंदी झक मार के पीछे आएगी। यार ये झक मार के डायलॉग सुना सुना लग रहा है यार, मुझे पर्सनली लगता है कि ये 4 मेन कॉन्सेप्ट होता है किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। आई नो लड़कियां बहुत सारी बकवास बोलती हैं, ओ तू स्मोक करता है, आई कांट डेट अ स्मोकर, ओ तू दारू पीता है, आई कांट डेट अ दारूबाज, ओ तू लड़कियां छेड़ता, आई नहीं नहीं लड़की छेड़ने वाले तो कोई नहीं पटाती। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया लाइक बटन दबा दो यार, लाइक नहीं करते यार तू, अरे माता रानी बाप देगी इतनी एनर्जी लेके आता भाई, लाइक करो बे। और अगर तुम नए हो जॉइन द रेवोल्यूशन ब्रो, क्योंकि ब्रोसेरा एक टीम नहीं है, एक क्रांति है जो डेफिनेशन बदलेगी एंटरटेनमेंट की। सो स्मैक दैट सब्सक्राइब बटन, जॉइन स्ट्रॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन गेट ऑफ इंडिया Rosena, man. And just in case if you're planning to buy anything from Amazon, जो link description में उसे use करो ताकि मैं ऐसी 2-3 shirt और छपा सकूँ, ज्यादा छपी दूंगा तुमको, कोई टेंशन नहीं। तो अभी के लिए मैं कहूँ आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए peace out. हाथ पे ले गया उसने डैड जुल्म, हंसती है तो आके हो जाती है बंद, उसकी अदाएं लुभाती मेरा मन, पास जाना चाहूं तेरे रखना चाहूं तुझे क्लोज, किस करूं डेली तुझे, जैसे है ये लव का डोज, आंखों में लिखा तेरे तू मुझे बेच खाएगी, गलती तू ऐसी ना करूं तो किस्मत पछताएगी, रिस्क तो भैया स्पाइडरमैन भी लेता है, फिर क्यों पीछे रहूं मेरा छोटा ज्ञानी कहता है। बहन के बेबी लगे हॉट तू।
outside, outside. Looking at the stars, staring with my mouth wide. I ain't letting nobody stop me this time. With every single level that I reach and I climb, they ask, are you from outside, outside?